इसके लिए। और राष्ट्रपति ट्रंप का प्लेन पहुंच चुका है एयरपोर्ट में, तस्वीरें दिख रही हैं, प्लेन लैंड कर चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। राष्ट्रपति ट्रंप का प्लेन लैंड कर चुका है एयरपोर्ट पर, तस्वीरें आप देख रहे हैं लैंडिंग की। और अब कुछ देर में राष्ट्रपति ट्रंप अपने परिवार के साथ प्लेन से निकलेंगे, प्रधानमंत्री मोदी वहां मौजूद हैं, कुछ देर पहले वो पहुंचे थे। राष्ट्रपति ट्रंप के प्लेन की तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट से। अमिताभ, तो आखिर 11:37 पर टचडाउन कर लिया है प्लेन ने, अब यहां से रोड शो साबरमती आश्रम और मोटेरा स्टेडियम। बिल्कुल, राष्ट्रपति ट्रंप एक अभूतपूर्व दौरा होगा, और खासकर तब जब राष्ट्रपति ट्रंप को दोबारा चुनाव देखना है, जल्दी ही उनको चुनाव झेलना है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री को उनको बुलाना और गुजरात की समुदाय, गुजरात की संस्कृति से परिचय कराना, उनको भारत की संस्कृति से परिचय कराना, ये बहुत बड़ा जेस्चर है किशोर, जिसको शायद ट्रंप आने वाले दिनों में ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि पहले भी पिछले 22 सालों में जितने अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए हैं उनमें ट्रंप का आना काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि पिछले अगर 2017 से लेकर अब तक माने तो पिछले 2-2.5 सालों में 6 से 7 बार वो राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और 1-to-1 एक रिश्ता कायम करने की कोशिश की। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी, उसके बाद अपने 1-2 इंटरव्यू में ये कहा था कि जब वो बतौर कार्यकर्ता काम करते थे और जब वो देखते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति या दूसरे देशों के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के डिग्निटरीज को कैसे कमर में हाथ डालकर या कैसे में हाथ डालकर अपने दिशा में ले जाते हैं या उनको डायरेक्ट करते हैं या फिर अपने से थोड़ा कम दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको उन्होंने बदलने की कोशिश की, सीधे गले मिलने की प्रक्रिया या हाथ में हाथ डालकर और आंखों में आंखें डालकर बात करने की एक प्रोसेस शुरू किया, जिसका शायद अब उनको फल मिल रहा है। अगर उनकी अमेरिका से दोस्ती है तो ऐसा नहीं है कि उनको रशिया से भी कोई दुश्मनी हो रही है, भारत और रूस लगातार परंपरागत रूप से लगातार दोस्त रहे हैं। आज़ादी के बाद भारत ने जो नॉन अलाइन मूवमेंट जो अपनाया था उसकी अगुवाई की थी, उसमें भी अमेरिका को लगा था कि भारत अलग थलग जा रहा है, इसलिए लगातार अमेरिका भारत का दुश्मन रहा और पाकिस्तान को लगातार प्रमोट करता रहा। लेकिन जैसे जैसे भारत ने अमेरिका में विश्वास दिलाया, 1978 में कार्टर के विजिट के बाद, मोरारजी देसाई के समय के दौरे के बाद पहली बार क्लिंटन जब वाजपेयी के समय आए, उसके बाद से लेकर अब तक भारत अमेरिका के संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। दोनों का व्यापार $65 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है और भारत का निर्यात भी लगातार बढ़ता जा रहा है। रक्षा हो, चाहे व्यापार का दूसरे समझौते हो, चाहे पीपल टू पीपल मैन पावर की बात हो, चाहे भारत सबसे बड़ा आर्थिक बाजार बन के उभर रहा हो, अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। दूसरी बात, ट्रंप को ये भी लगता है कि चाइना जो जिस तरह से बढ़ रहा है पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना जिस तरह से अपने व्यापार को बढ़ा रहा है, कैसे दुनिया के छोटे छोटे देशों को अपने काबू में ले रहा है अपनी ताकत से, उसको काउंटर करने के लिए उसी इलाके में अगर भारत जैसा मजबूत लोकतंत्र है जहाँ लोकतंत्र की जड़ें उतनी ही गहरी हैं जितनी अमेरिका कोशिश कर रहा है, तो उसको अपने दोस्त बनाकर रखना शायद अमेरिका के भी फायदे में है। तो इसीलिए ट्रंप ने भी भारत की तरफ दोस्ती का हाथ जरूर बढ़ाया है, चाहे एनर्जी सेक्टर हो, इसलिए ह्यूस्टन में आपको याद होगा पावर और एनर्जी के क्षेत्र में ह्यूस्टन जैसा इलाका जो आपको याद होगा काफ़ी पावर के साथ तमाम कंपनियां वहां पर मौजूद थी, गुजराती वहां बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे, वहां पे NRIs बहुत संख्या में मौजूद हैं, वहां पे भारत के लोग काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेशनल्स उस इलाके में। उसी तरह से गुजरात में भी आपको मैं बता दूँ पावर सेक्टर हो, चाहे ऑयल रिफाइनरीज हो, गुजरात भावनगर जामनगर तमाम इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तेल से लेकर पावर सेक्टर की काफ़ी सभी बड़ी कंपनियाँ मौजूद हैं। गुजरात प्रधानमंत्री खुद गुजरात से आते हैं, तो एक तरह से एक शोकेश करने की कोशिश की गई है भारत की आर्थिक ताकत को, भारत की संस्कृति को, और इस बहाने ट्रंप के साथ और अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश है। और राष्ट्रपति ट्रंप अगर उतर रहे हैं तो देखिए आप उनकी टाइमिंग देखिए, जिस समय टाइम फ्लाइट के उतरने का था फ्लाइट उस समय उतर चुकी है, जल्दी उतरेंगे। और प्रधानमंत्री जिन्होंने एक नई परंपरा ही शुरू की है कि प्रधानमंत्री भारत का खुद जाकर विदेश के डिग्निटरीज का स्वागत करेगा, और उन्होंने परंपरा की शुरुआत 2014 से ही कर दी थी जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला था किशोर, तो वो परंपरा लगातार बरकरार रहेगी, प्रधानमंत्री खुद उनके साथ वहाँ आप जब वो उतरेंगे उन सीढ़ियों से यूनाइटेड एयरफोर्स वन के साथ परिवार के साथ एयरफोर्स वन से उतरेंगे मिलेनिया ट्रंप और अपनी
बच्चों के साथ, अपने दामाद के साथ, तो उनके स्वागत के लिए प्रधानमंत्री खुद खड़े होंगे वहां पर। तो ये एक दिखाता है कि किस तरह से भारत और अमेरिका के संबंध भी मजबूत हुए हैं और दोनों राष्ट्राध्यक्षों के संबंध भी मजबूत हुए हैं। अमेरिका के साथ संबंध पिछले दो दशकों में लगातार बढ़ते चले गए। आपको याद होगा बराक ओबामा, ओबामा भी दो बार भारत आए, ओबामा मनमोहन सिंह के समय भी भारत आए, प्रधानमंत्री मोदी के समय भी भारत आए, उसके पहले क्लिंटन भी भारत आए हैं और लगातार संबंध बढ़ते जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारत के का इतना बड़ा वैश्विक बाजार, भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत और इतना बड़ा मैन पावर जो टेक्नोक्रेट भी है और जो नीचे के लेवल पर भी प्लम्बर से लेकर तो जो नीचे के लेवल का भी मैनुअल वर्क होता है उसके लिए भी भारत एक बहुत बड़ा लेबर फोर्स है। तो भारत में रुचि बढ़ी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे रशिया हो। तो ये तमाम देशों की जब रुचि बढ़ी है दुनिया के बिग फाइव में, तभी तो आपको याद होगा बराक ओबामा को कहना पड़ा था कि भारत को अब जो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है जिसमें 5 सदस्य हैं उसमें भारत को शामिल होने की अपील बराक ओबामा के द्वारा की गई थी, जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। भारत को अब भारत की जो न्यूक्लियर पावर है जिसके कारण भारत को अलग थलग रखा गया था दुनिया के उस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत को शामिल करने की बात अमेरिका कर रहा है। तो दिखाता है कि भारत कितना बड़ा और मजबूत देश बन चुका है और दुनिया के दूसरे देशों को आंखों में आंखें डालकर बात करता है और अपने हित की बात करता है। और ये दरवाजा खुल चुका है, प्लेन का मुख्य दरवाजा, जहां से कुछ देर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निकलेंगे। दिखेगी हमें तस्वीर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और इवांका ट्रंप और जैरेड कुश्नर, उनकी बेटी और दामाद, वो पहुंच चुके हैं। वो हमने देखा एक दूसरे दरवाजे से प्लेन के बाकी लोग निकल रहे हैं, उनका बाकी पूरा डेलीगेशन निकल रहा है और ये बस इंतजार है इस दरवाजे से राष्ट्रपति